सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 365वें प्रकाश पर्व पर रविवार को भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोविंद साहब कैंप 2 पावर हाउस से नगर कीर्तन निकलकर नंदिनी रोड पावर हाउस ओवरब्रिज सेक्टर 1 मुर्गा चौक सेंट्रल एवेन्यू भिलाई विद्यालय बेरोजगार चौक सिविक सेंटर से होते हुए गुरुद्वारा सेक्टर में इसका समापन हुआ। सेक्टर 1 वार्ड 54 के पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के नेतृत्व में भट्टी थाना के पास नगर कीर्तन के साथ पंच प्यारों का स्वागत सभी धर्मों के अनुयायी व 29 प्रदेशों से आकर यहां निवास कर रहे लोगों द्वारा किया गया। इस दौरान नगर कीर्तन में शामिल लोगों को एक ट्रक फल का वितरण कर शामिल लोगों को मास्क भी प्रदान किया गया। अनुज विनोद करे नाते सदा सदा हर के लगियो मन पीवे सुन शब्द विचार किम किम वर्षे अमृत तारा अनुज विनोद करे नाते सदा सदा हर के लगियो मन पीवे सुन शब्द विचार किम किम वर्षे अमृत तारा प्रकाश पर्व का नगर कीर्तन आज पावर हाउस से निकलकर सेक्टर 6 गुरुद्वारा जाएगा और उस सेक्टर 6 गुरुद्वारा पहुंचने के पहले उस नगर कीर्तन का सेक्टर 1 में भव्य स्वागत किया गया। और स्वागत में विशेष ये रहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक तक का ये लघु भारत भिलाई के सारे धर्म सारे समाज के लोग वहाँ उपस्थित होकर उस जुलूस का स्वागत किया। और विशेषता ये रही कि मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के उस जुलूस का भव्यता से स्वागत किया। और इस पूरे के पूरे जुलूस में लगभग पिछले 20 साल से एक ट्रक फल जुलूस में शामिल लोगों को लगातार बांटा जाता है। और इस फल बांटने के कार्यक्रम में हमारे साथी मलकीत सिंह लल्लू गोकुल शर्मा गुरचरण सिंह गाबू भास्कर मुदलियार बाचू और इनको संरक्षण इंद्रजीत सिंह छोटू और सारे लोग जो समाज के हैं इनको रहता है। और इनके द्वारा किया गया कार्यक्रम बड़ा सराहनीय कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज फिर से भिलाई ने यह साबित किया कि भिलाई का सौहार्द जो है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता।